वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे सलगम और आलू की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी चावल पराठा किसी भी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का सलगम लिया है। अब इसका जो छिलका है उसे हम पिलर से पतला करके इस तरह से निकाल देंगे और सलगम को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम सलगम लिया है और सलगम को हम इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। सारे सलगम हमने काट लिया है। दो मीडियम साइज़ के आलू को भी मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ में काट लिया है। इसी के साथ लेंगे हरा मटर 1/3 कप, टमाटर लेंगे एक मीडियम साइज़ का रफली कटा हुआ। सबसे पहले हम मसाले तैयार करेंगे। गरम पैन पे साबुत धनिया डालेंगे 2 टेबल स्पून। इस तरह के टेबलस्पून में 2 टेबलस्पून धनिया लेंगे। इसी के साथ ही 1 टेबलस्पून साबुत जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टीस्पून मेथी दाना। आप सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। करछी को हम लगातार चलाते रहेंगे और धीरे धीरे जब मसाले से खुशबू आने लगे और इसे हल्का सा भूनने के बाद इस तरह से अब हम पैन से निकाल लेंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। और ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसे हम पीसेंगे। मसाले को हमें बारीक से नहीं पीसना है, बस इसे दरदरा पीस लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। देखिए अब हम सब्जी को तैयार करेंगे। गरम पैन पे 4-5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। आप किसी भी ऑयल में इसे बना सकते हैं। ऑयल गरम हो जाए तब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता, हींग डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब। अब सारे चीज़ों को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अब हम तेल में डालेंगे प्याज एक छोटे साइज़ का रफली कटा हुआ। अब प्याज को हमें फ्राई करना है 1 मिनट तक। करछी को चलाते हुए प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब तेल में डालेंगे कटे हुए आलू और कटे हुए सलगम को। अब सारे चीज़ों को मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब नमक के साथ मिलाते हुए इसे हम फ्राई करेंगे और 2-3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसे हम कवर करके रखेंगे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। 4-5 मिनट के बाद लीड को हम खोलेंगे और सब्जी को करछी से चलाएंगे और इसे हम दोबारा इसी तरह से ढक्कन खोल के फ्राई करेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसी के साथ ही हम इसमें हरे मटर को भी डाल देंगे। मटर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब सारे चीज़ों को मिलाते हुए आलू और सलगम को हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकाएंगे और 1-1.5 मिनट के बाद इसे हम चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट के बाद इसमें हम कटे हुए टमाटर को डालेंगे और इसे भी सब्जी के साथ मिलाएंगे और सब्जी को मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। सब्जी को हमें इसी तरह से 50% तक सॉफ्ट बनाना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी। अगर आपको सब्जी में ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। पानी के साथ सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये होममेड है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसे 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। 10 मिनट के बाद लीड को खोल के सब्जी को धीरे धीरे से करछी से चलाएंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब आलू और सलगम को हम चेक कर लेंगे, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम भुना हुआ मसाला डालेंगे 1/2 टेबलस्पून। मसाले की क्वांटिटी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब मसाले को सब्जी के साथ मिलाएंगे अच्छी तरह से और इसे 2 से 3 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे।
इसी बीच हम थोड़ा सा आलू और सलगम को इस तरह से हल्का सा मैश कर देंगे। लास्ट में इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। और ये हमारा आलू सलगम की सब्जी बनके तैयार हो चुका है। देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब सब्जी को हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। इस सब्जी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। गार्निश करेंगे थोड़ा सा चॉप धनिए से। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।